Hey everyone, welcome to my channel Creator Lavanya Patel. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इयररिंग हॉल वीडियो. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को करिए लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. तो बिना देर किए चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले जो मैं इयररिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये हैं. आप इन इयररिंग्स को किसी भी फॉर्मल ड्रेस के साथ या सिंपल कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हैं और ये देखने में बहुत अच्छा लुक देता है. मैं आपको एक पहनकर दिखाती हूँ. फिर आपने कोई भी प्लेन कुर्ती या फिर प्लेन साड़ी पहन रखी है तो आप उसके साथ भी इन्हें स्टाइल कर सकते हैं. इन्हें कोई भी लड़की, न्यूली मैरिड गर्ल इन्हें स्टाइल कर सकती है और ये देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहे हैं. सो नेक्स्ट इयररिंग है मेरे ये इयररिंग मैंने लास्ट वीडियो में पहने हैं जिसमें मैंने दिवाली फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए. ये देखिए इन इयररिंग्स को आप अगर येलो ड्रेस के साथ वेयर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे बिकॉज येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. आप इन्हें व्हाइट के साथ भी वेयर कर सकते हैं, उनके साथ भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. इयररिंग्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ बिकॉज ये मैंने इयररिंग्स लिए थे सरोजनी मार्केट से. अगर आपने सरोजनी मार्केट का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए. ये मैंने मंडे मार्केट से परचेज किए थे. आप इन्हें नॉर्मल डेज में भी वेयर कर सकते हैं. इन्हें नॉर्मल किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर लो या फिर कोई प्लेन टॉप है उनके साथ वेयर कर लो. और फॉर्मल के साथ तो ये ठीक नहीं लगेंगे बट हाँ आप लाइक शॉपिंग करने जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो या किसी अपडेट पर जा रहे हो तो आप उस टाइम भी आप इसे इन्हें वेयर कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इयररिंग है ये. इन्हें मैंने परचेज किया था सरोजनी नगर मंडे मार्केट से और ये मुझे मिले थे 25 रुपीज के. और इन्हें भी मैंने अपने वीडियो में आई थिंक पहना है. ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं. आप इन्हें दिवाली पर भी वेयर कर सकते हैं या किसी भी फेस्टिवल पे वेयर कर सकते हैं. आप इन्हें अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तब भी आप इन्हें वेयर कर सकते हैं. आप इन्हें टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हैं. और इनका जो कलर है वो गोल्डन है और ये दिखने में बहुत ज़्यादा, आप पता नहीं वीडियो में इतना अच्छा लुक दे रहे हैं कि नहीं बट हाँ ये रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं. आप इन्हें किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, ये हर ड्रेस के साथ मैच करेगा. ये इयररिंग्स भी मैंने परचेज किए थे सरोजनी नगर मंडे मार्केट से और इन्हें मैंने लिया था आई थिंक 10 रुपीज में. सरोजनी नगर मंडे मार्केट वीडियो जरूर देखिए मेरी अगर आपने नहीं देखी है तो. इन्हें आप नॉर्मल जो फ्लेयर ड्रेसेस होती हैं या जीन्स होती हैं आप उनके साथ इन्हें वियर करेंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगे. आजकल ये इयररिंग्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है अलग अलग शेप में. ये देखिए आप इन्हें कुर्ती के साथ या फिर फ्रॉक सूट के साथ इन्हें स्टाइल कर सकते हैं. अब जो मैं आपके साथ इयररिंग शेयर कर रही हूँ वो है बिल्कुल, वो इयररिंग्स बिल्कुल फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग ही मैंने परचेज किए थे. ये अगर आप इस तरह के कलरफुल इयररिंग्स परचेज कर रहे हैं या आपने किए हैं
तो आप उन्हें स्टाइल करिए कुर्ती के साथ, बिकॉज साड़ी के साथ ये इयररिंग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप इन्हें कुर्ती के साथ स्टाइल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे और इनमें आपका लुक बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा। आप इन इयररिंग्स को किसी भी कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मोस्टली कलर्स अवेलेबल हैं इन इयररिंग्स में, जो कि हमारे पास कुर्ती उन कलर की कुर्ती हमारे पास अवेलेबल होती है या हम परचेज कर लेते हैं। सो ये कुछ इस तरह से लुक देते हैं ये। सो नेक्स्ट इयररिंग है ये। इन इयररिंग्स को मैंने परचेज किया है अपने घर के पास की मार्केट से। मैंने अभी इस वीडियो में शर्ट पहनी है तो आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा अगर अच्छे ना लगे तो, बट आप इन्हें साड़ी के साथ अगर पहनकर देखेंगे इस तरह के इयररिंग्स को तो ये इयररिंग्स बहुत अच्छा लुक देते हैं। आप ये देखिए, इस तरह के इयररिंग्स मोस्टली फेस्टिवल पर ही अच्छे लगते हैं या फिर किसी ओकेजन पर, फंक्शन पर ही अच्छे लगते हैं। डेली बेस में ये ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं गर्ल्स के ऊपर। अगर वो न्यूली मैरिड गर्ल हैं तो उन पर ये इयररिंग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये ट्रेंडिंग में भी है आजकल। एंड नेक्स्ट इयररिंग सभी गर्ल्स के फेवरेट है, ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग। ये देखिए, अगर आपके पास ये इयररिंग्स अवेलेबल हैं तो आप इन्हें किसी भी ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट कुर्ती पहनी है, शर्ट पहनी है, आपने किसी तरह का लहंगा या फिर स्कर्ट वियर किया है, साड़ी स्टाइल की है, तो आप उनके साथ भी इन्हें स्टाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह के छोटे इयररिंग्स अवेलेबल हैं या बड़े इयररिंग्स अवेलेबल हैं तो आप उन्हें भी वेयर कर सकते हैं। ये मैंने मीडियम साइज के इयररिंग्स लिए थे। आप इन्हें DIY करके आप इन्हें मांग टीका भी बना सकते हैं। इस तरह से मांग टीके का भी काम करता है। और अगर आप इन्हें, और ये इयररिंग्स तो है ही, और अगर आप इन्हें कान में डाल लेंगे तो ये इस तरह से लुक देता है। ये देखिए, इस टाइम मैंने शर्ट पहनी हुई है और इस शर्ट के साथ भी कितना ज्यादा मैच कर रहा है, कितना अच्छा ज्यादा लुक दे रहा है। अभी तक मैंने जितने भी इयररिंग्स परचेज किए हैं या फिर जितने भी इयररिंग्स वीडियो में स्टाइल कर दिखाए हैं तो मुझे अभी तक सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये इयररिंग लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। मेरा जो फेवरेट इयररिंग का पेयर है वो मेरा ये इयररिंग है। मेरे पास जितने भी इयररिंग्स के कलेक्शन थे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी इयररिंग ज्यादा अच्छे लगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, टाटा।